आज बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी फटाफट सी बनने वाले अनारसे की रेसिपी। तो इतनी स्वादिष्ट बनती है और कम समय में बन के तैयार होती है, तो फटाफट सी बना के और तैयार कर लेते हैं। नमस्कार, संतोष किचन में आपका स्वागत है। तो आज बनाएंगे अनारसा, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी, इतना ज़बरदस्त अनारसे बनाने में टाइम भी नहीं लगता। तो आज बनाऊंगी अनारसे। तो ये लिया है चावल का आटा, ये घर पे ही बना के और तैयार किया है। चावल को भिगो के धो के और कपड़े पे सुखा के और फिर घर पे पीस के तैयार किया है, फिर छन्नी से छान लिया है। आप मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है चावल का आटा, किराना की दुकान पे। ये चीनी ली है, चीनी आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें डालेंगे जितना आटा है उसकी चौथाई डालेंगे गेहूं का आटा। तो एक चम्मच छोटा गेहूं का आटा लिया है, इसका चौथाई, जो चावल का आटा लिया है उसकी चौथाई। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो इसके लिए चीनी घोलना है, तो चीनी मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे पानी। तो एक कटोरी चीनी थी, उसी दूसरी कटोरी से पानी लिया है, तो एक कटोरी डाल दिया है, आधी कटोरी पानी और डाल देंगे। हम मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो सारी चीज़ें अच्छी बनेंगी। तो पानी गर्म हो गया, अब डाल देंगे चीनी। चीनी आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आते हैं, उबाल आने देते हैं। तो चीनी को मेल्ट ही करना है, चाशनी नहीं करना। इसमें डाल देंगे इलायची फ्लेवर के लिए, तो इसमें चाशनी की ज़रूरत नहीं है, चीनी को मेल्ट करना है। अब एक चम्मच डाल देते हैं इसमें देसी घी। जो हमने घी डाला है इतना टेस्टी बनाएगा इनको और सॉफ्ट भी बनाएगा। अब बिल्कुल लो को, गैस को लो फ्लेम पे बिल्कुल कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अब इसमें बीच में आटा गेहूं वाला भी डाल देंगे। गेहूं वाला आटा तो पूरा हो गया है, इतना ही था, चावल की चौथाई आटा था। और अब इसमें थोड़ा और डालेंगे चावल का आटा, तो मिक्स करते जाएंगे। जो बचा आटा वो भी डाल दिया है। और एक चीज को खास ध्यान दे हमारे को, आटे को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अगर एक साथ आटा डाल देंगे तो इसमें लम्स हो जाएंगे, गांठे हो जाएंगी। अब इसको पका लेते हैं 2-3 मिनट गाढ़ा होने तक। तो आटा गाढ़ा हो गया है, अब इसको गैस को कर लेते हैं बंद और ठंडा कर लेते हैं। उसको निकाल लेते हैं प्लेट में, उसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हम आसानी से हाथ लगा सकते हैं, इसी हिसाब का ठंडा करना है। तो सारा आटा डाल देंगे। तो डाल दिया है सारा आटा, और इसको 5 मिनट ठंडा कर लेते हैं। तो 5 मिनट हो गई, ठंडा हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा घी, 1 चम्मच ही डालेंगे घी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये मैंने लिया है खास चीज़ खसखस, तो खसखस इसके लिए ज़रूरी है। आप तिल भी ले सकते हो, पर मैं खसखस ले रही हूँ। अब इसको घी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें, और हाथ से अच्छे से मैश कर लेते हैं इसको। इस हिसाब से, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हाथ लगा सके हाँ, इसी हिसाब का ठंडा करना है। तो इसी हिसाब से करेंगे 2-3 मिनट।
तो अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथ से, तो ये तैयार है बनाने के लिए। तो थोड़ा सा हाथ पे घी लगाएंगे इस हिसाब से, और थोड़ा थोड़ा लेना है, आप छोटे बड़े आप आपके हिसाब से बना सकते हो, छोटे बड़े का मेजरमेंट नहीं है इसमें, इस हिसाब से आप जैसे रोटी का लोई बनाते हैं उस हिसाब से बना के, और थोड़ा सा चपटी करना है तो इस हिसाब की सारी लोई बना लें, तो बाकी बच्चे भी बना लेते हैं। तो घी का हाथ लगा के ही लोई बनाएंगे तो लोई अच्छी नहीं बनेगी देखिए, और सारा काम मेजरमेंट से ही करें, मेजरमेंट से अच्छा बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए कितनी अच्छी लोई बन रही है, आप देख सकते हो एक भी लोई वो नहीं है, तो इसी हिसाब की सारी लोई बना लेंगे। तो सारी लोई बना ली है, कितनी अच्छी लोई बनी है, एक भी लोई नहीं टूटी फूटी, देखिए पूरी लोई इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी लग रही है, तो खसखस में इसी हिसाब से इसको डिप करेंगे। आप तिल भी ले सकते हो अगर आपके पास खसखस नहीं हो तो, मेरे को खसखस ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें, तो मैं खसखस में ही वो करूँगी। तो सारी लोई डिप कर करके रख लेंगे, तो थोड़ी लोई की साइज बढ़ा दी है इसी हिसाब से टिप करते समय, तो थोड़ा सा लोई की साइज बढ़ा देंगे इसी हिसाब से, अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, अगर कोई ज़रूरी नहीं है इसी हिसाब से, तो लोई की साइज बढ़ गई है। तो सारी देखिए खसखस में टिप कर ली लोई, तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे ऑयल रख लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, आप घी में भी बना सकते हो, तो मैंने लिया है पीली सरसों का ऑयल जो बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है, येलो सरसों जो हम अचार में काम में लेते हैं उसका तेल बहुत ही टेस्टी लगता है मेरे को। तो तेल गरम हो गया है, एक एक करके और अनारस छोड़ देंगे इसमें, और इसको 3-4 मिनट तक हाथ नहीं लगाएंगे, मतलब टच नहीं करना है इसको, अगर हाथ लगाएंगे टच करेंगे तो टूटने का डर रहता है, तो पहले हाथ नहीं लगाएंगे। तो एक बार डाल लिया है, इसी हिसाब से हिला लेते हैं इनको, अभी टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और मीडियम गैस पे पकाएंगे, गैस को मीडियम पे कर रखा है। वो हो गई कि 4-5 मिनट, एक बार पतली कर देते हैं, इसी हिसाब से धीरे से उठाना है, और इस हिसाब से हल्के हल्के हाथ से उठाना है इस हिसाब से। तो गैस को मीडियम पे ही रखेंगे, अगर ज़्यादा तेज में रखेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए तो गैस को मीडियम पे ही रखें, और तो सारे अनारस को बदली कर देंगे इसी हिसाब से, ये खाने में इतने स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत ही टेस्टी, और बनाना भी आसान ही है, वैसे तो आसान क्या है बनाना, कुछ भी नहीं है, पर इसमें समय कम लगता है, तो इसकी साइड दूसरी साइड से पक लेने देते हैं। तो देखिए कलर कितना प्यारा सुंदर आया है, तो एक अनारस को हम उठा के देखते हैं, वाह कितना टेस्टी लग रहा है, तो इसको 1-2 मिनट और पका लेते हैं, एक बार इसको बदली कर देते हैं दूसरी साइड से, इस हिसाब से धीरे से उठाना है और इस हिसाब से बदली कर देंगे, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस चीज़ में खास चीज़ का ये ध्यान रखना है, शुरुआत में हाथ नहीं लगाना 3-4 मिनट इसके, और फिर थोड़ा गैस को तेज करना है, 3-4 मिनट बाद में हाई फ्लेम पे गैस कर देंगे, अगर बाद में हम गैस को मीडियम पे रखेंगे तो ये फटने का चांस रहता है, तो इनको निकाल लेते हैं।
ये पक गए हैं, कलर भी सुंदर आ गया, तो दो दो करके निकाल लेते हैं, अच्छे भी निकाल लेते हैं। ये सारे निकाल लिए हैं, बाकी बचे भी डाल लेते हैं। गैस को मैंने लो टू फ्लेम पे कर रखा है। धीरे से छोड़ना है तो हाथ भी जल जाएगा अगर जल्दी से रखेंगे तो। अब इसको पकने देते हैं 3-4 मिनट, हाथ नहीं लगाएंगे इसके। गैस को कर देते हैं मीडियम पे। वो हो गई 3-4 मिनट, बदली कर लेते हैं। देखिए ब्राउन परत आ गई है इनके ऊपर, तो अच्छे से पक रहे हैं। थोड़ा खस खस क्या कढ़ाई में निकल जाता है, तो कोई बात नहीं, तो पकने देते हैं 3-4 मिनट। हो गई है 3-4 मिनट, तो देखिए इस साइड से और बदल की कर देते हैं इनको। ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तो बदल दिया है, तो ये कलर अच्छा आ गया है, पक गए हैं। निकाल लेते हैं इनको, अगर ज़्यादा इससे ज़्यादा डार्क कलर करेंगे तो ये अंदर से गल जाएंगे और स्वादिष्ट नहीं लगेंगे, तो इतना ही पकाना है। तो बाकी बच्चे को भी निकाल लेते हैं, तो रख लेते हैं प्लेट। आप देख सकते हो कितना टेस्टी और सुंदर लग रहा है, एक भी अनारस नहीं टूटा और आवाज भी आ रही है इनमें से कुरकुरी कुरकुरी। तो जचा लेते हैं प्लेट में। बाकी बच्चे भी रख लेते हैं। तो सारे अनारस ऐसे रख दिए हैं, तो आप देख सकते हो कितने स्वादिष्ट और टेस्टी लग रहे हैं। तो अनारस से इसलिए आटा मैंने इसलिए डाला है, दोनों का बैलेंस बन जाता है, चावल का आटे में इसलिए फटने का डर नहीं रहता। तो आप इसमें एक चौथाई आटा जरूर डालें, मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्ट, देखिए वाओ कितना टेस्टी लग रहा है, ये खाने में कितना स्वादिष्ट होगा, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। देखिए तो आप भी जरूर बनाएं। आज की रेसिपी कैसी लगी मेरे को जरूर बताएं। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नई नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। आज के लिए थैंक यू।